नमस्कार दोस्तों, हाजिर हो गए हैं हम आपके सामने फिर से तीन खबरों का पिटारा लेकर। पहली खबर तो होगी आपकी आम्रपाली से जुड़ी हुई। आम्रपाली का बर्थडे आ चुका है और ये आप जानना चाहते होंगे कि आम्रपाली अपना बर्थडे कहाँ मना रही है। दूसरी खबर है काजल राघवानी की उन आदतों की जिससे उनकी माँ बहुत परेशान रहती है। और तीसरी खबर है खेसारी की मच अवेटेड मूवी नागदेव की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आम्रपाली जी से ही। भोजपुरी की हॉट और हर दिल अजीज नूरे नजर अदाकारा आम्रपाली दुबे का बर्थडे है। 11 जनवरी को सभी जानते हैं कि उनका बर्थडे होता है और सब उन्हें विश भी करेंगे, तो लगे हाथ हम ही आम्रपाली को हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं। चलिए आपको देते हैं चटपटी न्यूज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आम्रपाली इस बार अपना बर्थडे कोचीन में मना रही है। आम्रपाली पूरे एक हफ्ते के लिए साउथ इंडिया के सैर पर गई है। अभी हमारे स्क्रीन पर जो फोटोज चल रही हैं वो आम्रपाली की कोचीन की ही तस्वीरें हैं। फैमिली के अलावा निरहुआ भी उनके साथ है। पिछले साल आम्रपाली को निरहुआ ने एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था और इस साल उन्होंने उनकी फेवरेट प्लेस पर उनका बर्थडे मनाने का सोचा। और क्या चाहिए आम्रपाली को, वैसे उनके बर्थडे पर निरहुआ दिल खोल कर खर्च करते हैं। जब वो कोचीन से लौटेंगी तब वो अपनी फिल्म गबरू और वीर योद्धा महाबली की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। काजल राघवानी के भोलेपन से बहुत परेशान है उनकी माँ। काजल की एक फिल्म के मुहूर्त पर ये बात उनकी माँ ने कही कि काजल हद से ज्यादा भोली है। उन्हें कोई उनकी गलती न होने पर दो बार सुना कर जाए तो काजल चुपचाप सुन लेती है, उस व्यक्ति को वो कुछ भी नहीं कहती। काजल के माँ को उनकी ये आदत जरा भी पसंद नहीं है। वो चाहती हैं काजल अपनी ये आदत छोड़ दे ताकि थोड़ा बेबाकीपन अपने व्यवहार में ला सके। सीधा बनकर किसी का भला नहीं होता। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। खेसारी की मच अवेटेड मूवी नागदेव का पोस्टर जब से रिलीज हुआ है, खेसारी के फैंस बड़े ही उतावले हो रहे हैं फिल्म के बारे में जानने के लिए। फिल्म में खेसारी का लुक बहुत ही रिवीलिंग है, जिसे देखकर कोई भी एक बार जरूर फिल्म देखना चाहेगा। आपको फिल्म की एक जानकारी दे देते हैं। फिल्म में खेसारी शर्टलेस अवतार में, यानी के बिना शर्ट के दिखाई देंगे, जिसके लिए वो अपनी बॉडी को इतना परफेक्ट कर रहे हैं कि ऑन स्क्रीन वो बहुत ही फिट लग सके। बताया जा रहा था कि इस फिल्म की एक्ट्रेस कोई नई हीरोइन होगी, लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो फिल्म राजा जानी की हीरोइन प्रीति ही इस फिल्म में खेसारी की हीरोइन बनेंगी। आजकल खेसारी और प्रीति के नजदीकियों के चर्चे बहुत हैं। जाते जाते एक खबर आपको हम एक्स्ट्रा देते जाते हैं। खबर ये कि आपको तो पता है कि पवन सिंह की फिल्म वांटेड रिलीज होने वाली है। हाँ, हम जानते हैं कि फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का पोस्टर कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म का एक डायलॉग अभी से धूम मचाना शुरू कर दिया है। फिल्म में पवन सिंह कहते नजर आएंगे कि जो भारत माँ की जय नहीं बोलेगा उसे इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फिल्म रिलीज नहीं हुई, ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ, तो हम आपको ये खबर कैसे दे रहे हैं। ये आप लोगों तक हमारा खबर पहुंचाने का जुनून है। भोजपुरी जगत की अधिक से अधिक जानकारी के लिए और हॉट गॉसिप के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।